आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कल का डेफिनेशन और सर्कल के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्कल का कुछ पॉइंट्स को हम डिनोट कर देते हैं। सर्कल होता क्या है एक्चुअली, ये हमारा यहाँ पे हो गया सेंटर। अब क्या करते हैं कि सेंटर के एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को जब हम आपस में कलेक्ट करते हैं और सबको कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे जो डायग्राम बनता है हमारा, उसको हम बोलते हैं सर्कल। तो ये हमारे जितने आप डॉट 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 देख रहे हैं पॉइंट, सबको हम क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये कनेक्ट कर दिए हम, ये जो फिगर बना है इसको बोलेंगे सर्कल। तो ये सर्कल क्या होता है, इस सेंटर, सेंटर को हम ओ से दर्शा देते हैं, सेंटर ओ से ये इस सर्कमफेरेंस में कोई भी एक पॉइंट लेंगे आप, मतलब उसके बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे हम, इसको बोलेंगे रेडियस। ये हो गया हमारा सेंटर, मिड पॉइंट हो गया सर्कल का, यानी फिक्स्ड पॉइंट है ये, और ये हो गया हमारा रेडियस, स्मॉल आर से हम डिनोट कर रहे हैं इसको। ये हो गया सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का किसी भी पॉइंट को हम जब सेंटर से मिला देते हैं, तब जो ये डिस्टेंस होती है, ये हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, आप कहीं पे भी लेंगे तो इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। आप यहाँ पे लिए तब भी वो रेडियस है, आप इधर ड्रॉ कर दें फिर भी वो रेडियस होगा, आर होगा। आप इधर भी कहीं ड्रॉ कर दें वो भी रेडियस होगा, आर होगा। सबका जो होगा लेंथ सेम होगा। इसका अब हम डेफिनेशन देखते हैं, सर्कल का डेफिनेशन। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। ये हमारा जितना भी था